नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कहने को बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जिसके बाद से ही बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध करने वाले एक आशंका जो एक स्वर से लगा रहे थे वो ये कि बिहार में अगर शराबबंदी कानून ज्यादा दिनों तक यूं ही लागू रहती है तो पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार आने वाले पर्यटकों की दिलचस्पी कम हो जाएगी। लेकिन सभी महानुभावों के भविष्यवाणी पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने पानी फेर दिया है, जिसके तहत जारी किए गए रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि देश के लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी बिहार अब भाने लगा है। आलम कुछ यूं है कि मौज मस्ती के लिए चर्चित गोवा से अधिक विदेशी पर्यटक बिहार आना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल भी हो गया है। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र आ रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.6% बताई गई है। इसके बाद तमिलनाडु है जहां पर ये आंकड़े 17.1% है। यहां पर इतने विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। तीसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश है। यूपी में 12.4% पर्यटक वर्तमान समय में आ रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें तो विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% है। बाकी के 10 राज्यों में बिहार 9वें पायदान पर है और गोवा में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या मात्र 4.2% बताई गई है और ये 10वें पायदान पर है। इतना ही नहीं, विदेशी पर्यटकों का अनुपात देश के इन्हीं राज्यों में लगभग 87.6% है। बाकी 12.4% विदेशी पर्यटक देश के बाकी राज्यों में जाते हैं। हालांकि कोरोना की मार से पहले विदेशी पर्यटकों के बिहार आने जाने वालों की संख्या और ज्यादा ही थी। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत भर में पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन कोरोना ने जैसे ही अपना डंक मारा उसके बाद से ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई दफा ताला लगा और ताला खुला भी तो सुरक्षा कारणों से पर्यटकों के आने की संख्या में भारी कमी देखी गई। मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में रिकॉर्ड 3 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए थे। साल 2020 में घटकर ये संख्या लगभग 71 लाख रह गई है। अब चूंकि कोरोना के मामलों में धीरे धीरे गिरावट जारी है, ऐसे में अनुमान यही लगाया गया है कि अब एक बार फिर से कोरोना के मामलों में विदेशी पर्यटक भारत के साथ साथ बिहार आना शुरू करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि भारत आने वालों की संख्या आखिर कहां पर सबसे ज्यादा है। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे अधिक संयुक्त अरब अमीरात के लोग हैं, जहां के 34% लोगों ने देश का भ्रमण किया है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, सिंगापुर, ओमान, ब्रिटेन, थाईलैंड, कनाडा और कुवैत के लोगों ने देश का भ्रमण करवाने का काम किया है। बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे मुफीद जगह बोधगया, राजगीर और वैशाली रहा। वहीं तमिलनाडु भी इनमें से एक रहा। पर्यटकों में 23% लोगों ने तमिलनाडु की सैर की है। इसके बाद यूपी में 14.1%, कर्नाटक में 12.7%, आंध्र प्रदेश में 11.6%, तेलंगाना में 6.6%, पश्चिम बंगाल में 4.7%, मध्य प्रदेश में 3.9%, गुजरात में 3.2%, तो 10वें पायदान पर पंजाब है जहां 2.7% देसी पर्यटक आए हैं। कोरोना का असर देसी पर्यटकों पर भी हुआ है। 2019 में 2.32 अरब से अधिक देशी पर्यटकों ने देश के विभिन्न राज्यों की सैर की थी, जबकि 2020 में ये आंकड़ा घटकर मात्र 61 करोड़ रह गया। वहीं बिहार में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में विदेशी के साथ साथ देशी पर्यटक भी बिहार का भ्रमण जरूर करने आएंगे, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से बिहार में कई जगहों को विकसित करने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।